पूरी जर्नी निकल चुकी है ऑलमोस्ट, और अभी तक मैंने कोई कैंपिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो आज कैंपिंग करते हैं। नाइट में मैंने अपना टेंट लगाया हुआ है, ये देखिए ये टेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सो यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है लंच के टाइम में, यहाँ किसी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता। कैसे आप सब भाई हो, आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोलो जर्नी, एक और नए व्लॉग में स्वागत है। अभी टाइम है मॉर्निंग का, 1 बज चुका और मैं पहुंच चुका हूं कन्याकुमारी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो यहां पे मुझे यार मॉर्निंग में अभी जो मैंने तिरुवनंतपुरम है वहाँ से मैंने बस ली थी, और बस लेने के बाद मैं पहुँचा हूँ कन्याकुमारी, और बस का फेयर था वो 105 रुपये था तिरुवनंतपुरम टू कन्याकुमारी। अभी कन्याकुमारी आने के बाद मुझे कोई होटल मिला नहीं, जो होटल थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, बजट से बाहर थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा, काफ़ी पूरी जर्नी निकल चुकी है ऑलमोस्ट, और अभी तक मैंने कोई कैंपिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो आज कैंपिंग करते हैं। नाइट में मैंने अपना टेंट लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ लोकेशन है टेंट, ये देखिए ये टेंट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, और सामने का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये पता नहीं कुछ बना हुआ है क्या है, ये लग रहा कोई पुराना बस स्टैंड है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है चारों तरफ, उधर सिर्फ 1 या 2 लोग हैं, बाकी पूरा बंद है। ये देखिए सेटअप सारा हो चुका है दोस्तों, बस अभी सोना बाकी है, सोते हैं और कल कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में कोई होटल लेंगे अच्छा सा, कोशिश करेंगे 24 आवर्स का चेकआउट। सो फाइनली टेंट लग गया है दोस्तों, अभी मैं सो रहा हूँ, ये अंदर से कुछ अंदर, मैं टेंट दिखा देता हूँ आपको, इधर सामान रखा हुआ है, पानी वगैरह, और इधर मैं लेटा हुआ हूँ अपने बैग के साथ। सो भी सोते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन सेकंड गुड मॉर्निंग हुई है। एक्चुअली कैंपिंग फेल हो गई, फेल होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बारिश स्टार्ट होने की वजह से जो कैंपिंग टेंट हमने उधर लगाया था उस साइड में वो उठाना पड़ा, क्योंकि बारिश आ गई थी, और बारिश आने की वजह से सब कुछ, ये देखिए सारा टेंट वगैरह पैक करना पड़ा। अभी 4:30 का टाइम था, और अभी 4:48 हुए, सो ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया। पैक होने के बाद सिर्फ मैट पे इधर जाके, या तो मैं कहीं सोऊंगा या मैं देखता हूँ क्या करना है, मुझे अभी जगह रहना है। सो लेट्स गो गाइस, देखते हैं और मिलते हैं आपको अभी क्या होता है। अभी तो सब ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया, और सोचता हूँ उसके बाद अभी क्या करना है, फिर जाके होटल लेना है मुझे। सो बाय गाइस, ये कुछ कैंपिंग कैसे सामान बिखरा फैला हुआ है। नाइट को आपको पता ही है कि मैंने बस स्टैंड के पास है वहाँ पे कैंपिंग की थी, और कैंपिंग करने के बाद रात को बारिश आ गई, तो वो कैंपिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाई, कुछ टाइम तक ही वैली मैं कैंपिंग कर पाया, और उसके बाद बस स्टैंड पे रात को वेट किया क्योंकि कोई होटल नहीं मिल रहा था। अब मॉर्निंग में जाके हमें एक होटल मिला है, और होटल का प्राइस जो है वो भी काफ़ी चीप निकला, 600 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, वो भी 24 आवर्स 24 घंटे का चेकआउट उसमें हमें मिल गया, तो काफ़ी अच्छा रहा था यार। हमें जस्ट स्टे करना, क्योंकि बैग रख के लगेज रख के हम फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सो मैं आपको एक बार होटल भी दिखा देता हूँ, देन उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये कुछ लाउंज था, इधर ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूम बने हुए हैं, और ये हमारा रूम है, मैं एक बार आपको रूम भी दिखा देता हूँ, रूम नंबर 20 ये हमारा रूम है। तो इधर ये लगा हुआ है भाई काम में, इधर ये वॉशरूम। सो ऐसा कुछ रूम था जो 600 रुपीज़ में पड़ा था, तो जो काफ़ी चीप है यार। सो लेट्स गो, चलते हैं एक बार अभी विवेकानंद स्टेचू के पास जाएंगे, और एक से दो जगह और एक्सप्लोर करेंगे। सो चलते हैं आपसे एक बार, पहले लंच भी करना है, आगे चल के आपसे मिलते हैं। सो बाय गाइस। होटल से बाहर आने के बाद यार एक लोकल मार्केट में आ गए, यहीं पे वो स्टेचू है, मार्केट आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो यार पहले कोई रेस्टोरेंट देख रहे हैं, रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट लंच करेंगे, देन उसके बाद ही हम सोच रहे हैं स्टेचू पे जाए। एक दिखा है यहाँ पे, ज़्यादा ऑप्शन है नहीं,
असोनी रेस्टोरेंट करके। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन होगा अवेलेबल इनके पास। क्या अवेलेबल है? लंच ओवर ओवर ब्रेकफास्ट ऑप्शन। सो यार यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है लंच के टाइम में, यहाँ किसी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, सब ये बोलते हैं फिनिश 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 हो चुका। सो कोई टैटू शॉप और ऐसा कुछ ये मार्केट है, देखिए नीचे लगा के बैठे हुए हैं, नॉन स्टिक तवे वगैरह बेच रहा है इधर, कुछ जूट के बैग। धूप काफी हो रखी है यार यहाँ पे, आपको सजेशन करूंगा कोई कैप वगैरह ही लेके आए आप, क्योंकि अभी नवंबर चला हुआ है, नवंबर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे, गर्मी है बहुत ज्यादा यार। उस साइड चले, इसीलिए इससे लोकल से पूछते हैं, वही बता पाएगा रेस्टोरेंट वगैरह के लिए। चलो इस आइसक्रीम वाले से कंफर्म करते हैं, रेस्टोरेंट की तरह रेस्टोरेंट खाना खाना नो वो फोटा वो सीधा सीधा ही बोलता सो एक बार देख लेते हैं यार, रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं फिर मैं आपसे बात करता हूँ, धूप बहुत ज्यादा है इधर। इसको 17 जनवरी 1963 को स्थापित कर दिया गया था चट्टानों के ऊपर पे, स्वामी विवेकानंद है वो कन्याकुमारी से और इस मेमोरियल तक तैरते हुए 24 घंटे के अंदर वो तैरते हुए इन चट्टानों पे पहुंच गए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना ध्यान किया था। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, ऐसा कुछ इधर से नजर आया था।